ओके स्टूडेंट्स नाउ वी विल स्टार्ट सेक्शन बी ऑफ मॉडल पेपर नंबर वन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको सेक्शन बी में फोर्टीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कोई भी इतने घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं दिए हुए लेकिन क्वेश्चन uh, जो हैं वही बात है कि uh, आपने समझ के उनका आंसर लिखना है ताकि जो है वो प्रॉपर आंसर लिखें और आपको फुल मार्क्स मिलें ठीक है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इंक्रीज़ डाउन द ग्रुप जस्टिफाई दिस बिहेवियर अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन कीजिएगा कि आपके पास स्टेबिलिटी के जो है वो दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो कार्बोनेट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दूसरा आपस में अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो ग्रुप्स हैं उनकी कंपैरिजन पूछा जा सकता है कि किस ग्रुप के जो है वो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है और किसकी कम है ठीक है दो आ, दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एक तो कंपैरिजन में पूछा जा सकता है और एक उस ग्रुप का इट्स डाउन द ग्रुप जो है वो ट्रेंड पूछा जा सकता है ठीक है लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें सलूशन में तो सोलूशन में जो है वो आंसर जो दिया गया है यहाँ पर आप रीज़न में ज़रा चेक करें तो बाय मिस्टेक ये आंसर जो है वो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन का दे दिया गया है लेकिन क्वेश्चन जो है वो सिंपल एक ग्रुप का पूछा हुआ था कि इफेक्ट ऑफ हीट ऑन ग्रुप टू कार्बोनेट्स ठीक है तो इसका आंसर जो है यहाँ पर सोल्यूशन में रॉन्ग दिया गया है आपने इसको करेक्ट करना है यहाँ पर देखें कंपेरिजन में लिखा हुआ है कैटाइंस ऑफ ग्रुप टू आर स्मॉलर इन साइज़ एंड ग्रेटर चार डेंसिटी दैन द कैटाइम ऑफ ग्रूप वन तो उस वजह से फिर उसका बताया हुआ है कि किस तरीके से किसके कार्बोनेट ज़्यादा स्टेबल हैं और किसके कम हैं तो स्टूडेंट्स इसका प्रॉपर आंसर ये यहाँ पर मैं आपको uh, पिक्चर ले कर यहाँ पर uh, दिखा रही हूँ स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है बेसिकली आपने uh, जो कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी जो है वो बेसिकली सॉरी थर्मल स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड कर दी है रिजल्टिंग जो मेटल के ऑक्साइड्स बन रहे हैं उन पे डिपेंड करती है ठीक है मींस कि किसी भी मेटल का कार्बोनेट होगा तो वो डिकम्पोज करेगा या नहीं वो किस पे डिपेंड करेगा जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बन रही है मेटल ऑक्साइड उस पे डिपेंड करेगा अगर तो वो रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल बन रही है ठीक है जो बनने वाली प्रोडक्ट है वो स्टेबल है तो कार्बोनेट जल्दी जल्दी डिकम्पोज करेंगे और अगर वो बनने वाली प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है वो अनस्टेबल जो उसका बॉन्ड जो है वो वीक बन रहा है मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक बन रहा है अनस्टेबल है तो जो कार्बोनेट्स हैं वो इसी फॉर्म में रहना पसंद करेंगे वो डिकम्पोज नहीं होंगे ठीक है तो ये यहाँ पर आपको थ्री लाइंस में जो है वो आंसर इजीली जो है वो लिखा हुआ है आपको आ, आप इसी को जो है वो आ, आ, आंसर देंगे एग्जाम्स में अगर इफेक्ट ऑफ हीट ऑन ग्रुप टू कार्बोनेट्स आएगा तो ये वाला आंसर लिखेंगे ठीक है और अगर कंपैरिजन वाला आएगा तो फिर दूसरा लिखेंगे ठीक है यहाँ पर बताया हुआ है कि डाउन द ग्रुप हम अगर हम जा रहे हैं तो मेटल का साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है ठीक है मेटल का साइज़ जितना इंक्रीज़ करेगा उसका बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जो है वो वीक बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है और मेटल का साइज़ बड़ा होता जा रहा है ठीक है जितना ज़्यादा मेटल का साइज़ बड़ा हो जाएगा तो मेटल ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो वीक बनेगा जिसकी वजह से उनकी जो लेटेस्ट एनर्जी है वो कम हो जाएगी और जितनी ज़्यादा ऑक्साइड की मेटल ऑक्साइड की लेटेस्ट एनर्जी कम होगी तो वो जल्दी जल्दी ब्रेक हो सकते हैं टूट सकते हैं अनस्टेबल हैं ठीक है दैट्स वाई uh, जो डिक्रीज इन द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट हो रही है ठीक है डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं जो प्रोडक्ट बनती जा रही है वो uh, उसकी स्टेबिलिटी uh, जो है वो कम होती जा रही है जो बनने वाली प्रोडक्ट है ठीक है तो दैट्स वाई मेटल कार्बोनेट्स जो हैं वो डिकम्पोज ईजीली नहीं करेंगे लेकिन अगर आपने करने ही हैं तो आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो वो डिकम्पोज करेंगे ओके नेक्स्ट यहाँ पर देख लें दर्डर क्वेश्चन नंबर टू द ऑर्डर एज रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ हेलाइड आइन इंटरप्रेट इट तो मैंने आपको ये जो हैलोजेंस वाला ग्रुप फोर है उसमें आप सॉरी ग्रुप सेवन ग्रुप सेवन में आपको मार्क करवाया है कि इनका रिड्यूसिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट या एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो यहाँ पर देखें रिड्यूसिंग एजेंट वाला आ गया है इसको आपने एक्सप्लेन करना है देन अमोनिया एक्ट एज अ बोथ लिगिड एंड अ बेस जस्टिफाइड स्टेटमेंट बाय द रिएक्शन विद कॉपर आइन तो ये आपके पास चैप्टर नंबर फोरटीन में जो एंड पे आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी क्विक क्विज याद करने के लिए आपको कहा है और ये क्विक क्विज के बीच में से ये क्वेश्चन आया कि अमोनिया है जो जो है वो बहुत लिगिड और बेस एक्ट करता है ठीक है तो इसकी आपने जो है जस्टिफाई करना है विद इक्वेशंस इक्वेश लिख कर यहाँ पर देखें ये यहाँ पर अमोनिया एज अ बेस के लिए पहले एक्सप्लेनेशन लिखी है और उसके बाद फिर इक्वेशन लिखी हुई है ठीक है और देन अमोनिया एज अ लिगेंड ठीक है और उसके लिए एक्सप्लेनेशन लिखी है और उसके बाद आपने फिर आगे जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं उनके कलर वगैरह भी मैंशन करने हैं नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट आर लिगेंड्स गिव एग्जांपल ऑफ ट्राई एंड हैगजा लिगेंड ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रिपेयर ग्लिसरोल फ्रॉम हाइड्रोलिस एंड स्पॉनिफिकेशन ऑफ़ फैट्स एंड ऑयल्स तो अगेन ये जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाई गई हैं आपने याद करना है और इनकी क्वेश्चन भी लिखनी हैं क्वेश्चन नंबर फ़ाइव आ जाता है हाउ विल यू प्रिपेयर अच्छा क्वेश्चन फाइव हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स आ जाता है हाउ कैन नाइलॉन सिक्सिस बी प्रिपेयर फ्राम एडिपिक एसिड गिव कम्प्लीट केमिकल रिएक्शन यहाँ पर आप चीज़ नोट कीजिएगा कि तमाम के तमाम जो क्वेश्चन हैं ना इम्पॉर्टेंट वन और सिंपल सिंपल और इम्पॉर्टेंट वन जो है वो एड किए गए हैं इस मॉडल पेपर नंबर वन में हाउ डज चट्राई lead कॉज एयर पोलूशन ये भी बहुत सिंपल है आपके पास इन्वायरमेंटल में से क्वेश्चन है देन है वट आर ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ द मेटल्स ठीक है अब इन मेटल्स का यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन uh, बताएं कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ पर देखें ये लिगेंड्स अटैच हुए हैं इसलिए जितने हैं उतना ही कॉर्डिनेशन नंबर बनेगा ठीक है यानी फोर फाइव सिक्स क्रोमियम का सिक्स कॉर्डिनेशन नंबर है और आयरन का भी सिक्स है ओके okay? इसी तरीके से आपने इनका सबके ऊपर जो है वो ऑक्सीडेशन uh, स्टेट्स लगानी है फिर आपके, आपको पता चलेगा जाएगा कि क्रोमियम और आयरन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है ठीक है नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर नाइन वट इंफॉमेशन इज़ ऑबटेन फ्राम द नंबर ऑफ पीक्स एंड एरिया अंडर द पीक इन एन एम स्पेक्ट्रम तो बेसिकली जो एन का स्पेक्ट्रम होता है ना वो जैसे अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपके पास दिया होगा तो वो बताएगा कि उसमें जितनी पीक्स आ रही हैं अगर फोर पीक्स आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास फ़ोर टाइप के जो है वो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं और हर टाइप के हाइड्रोजन्स जो हैं कितने हैं नंबर में तो उनकी हाइट बताएगी ठीक है तो वो एरिया जो उस पीक वो पीक पी, पी जितना एरिया कवर है अगर स्म छोटा साइज़ है तो इसका मतलब कम नंबर हैं ठीक है यहाँ पर मैंने एक स्पोज जो है वो एन एम आर स्पेक्ट्रम बना दिया देखें अब इनकी जो नंबर ऑफ पीक्स हैं इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास सैंपल है उसमें थ्री टाइप्स के हाइड्रोजन हैं ठीक है ठीक है थ्री टाइप्स के हाइड्रोजन हैं और जो ए, ये जो है हमारे पास ये वन हाइड्रोजन के लिए पीक है ये देखें ये डबल है पीक हाइट में उससे ये टू हाइड्रोजन्स के लिए और ये देखें ये ट्रिपल है तो ये थ्री हाइड्रोजन्स के लिए ठीक है तो सैंपल में आपके पास टोटल जो है वो सिक्स हाइड्रोजन्स होंगे ठीक है तेन हमारे पास क्वेश्चन नंबर टेन वट आर एडहेसिवस हाउ डज हॉट ग्लू वर्क अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन समराइज द कन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेजम बाय ड्राइंग डिफरेंट आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ऑफ टटारिक एसड शोइंग देयर ऑप्टिकल बिहेवियर तो ये आइसोमेजम के टॉपिक में आपको बहुत डिटेल से बताया कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपने इसको इसी तरीके से जैसे आपको गाइड किया गया है वैसे ही अटैम्प्ट करना है देन है आपके पास क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड स्टार्टिंग फ्राम एसीटाइलिन तो इस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं कन्वर्जनस ठीक है सबसे पहले आप ये चीज़ देख लिया करें कि आपके पास जो है वो क्या आपके पास फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है एसीटाइलिन दिया हुआ है मींस कि अल्काइंस में से ये क्वेश्चन आया है और आपने उससे एल्डिहाइड और एसिड बनाना है ठीक है अल्काइन से तो सिंपल आप रिकॉल करें रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस ठीक है रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस को जब आप रिकॉल करेंगे तो उसमें वाटर की एडिशन से आपने पढ़ा था कि हम एल बना सकते हैं ठीक है और फर्दर एल डी जब बन जाएगा तो उसकी ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड बन जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखें ऐसी में वाटर ऐड किया तो ये आपके पास इन ओल बन जाएगा यानी डबल बॉन्ड और यानी अल्कोहल और बाद में ये रीअरेंजमेंट करके ये जो है वो एथानॉल बना देगा एथेनल ठीक है यानी एसिटल एल देन आपके पास आ जाएगा इसी तरीके का दोबारा आप करेंगे ठीक है तो ये एल्डिहाइड से जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिटिक एसिड बन जाएगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात और नोट कर लें कि एन वाले में देखें इन्होंने रफ सा एक स्केच बना के बताया है कि पीक की हाइट अगर छोटी होगी तो इसका मतलब है कि कम नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स को वो शो कर रहा है फिर ये देखें उससे डबल हाइट आप रखेंगे तो वो टू हाइड्रोजन्स को और उससे ट्रिपल हाइट रखेंगे तो ये थ्री हाइड्रोजन्स को शो कर रहा है ठीक है तो ये हाइट जो है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को शो कर रही है और जो नंबर ऑफ पीक हैं वो टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स को शो कर रहे हैं ठीक है तो आपने इस तरह से रफ सा कोई जो है वो ग्राफ ड्रॉ करके उसको अपने आंसर को डिफेंड करना है नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ये हमारे पास मोनोसपचुएंट बैंजींस हैं और इनकी नाइट्रेशन करनी है तो स्टूडेंट्स ही आपके पास जो चैप्टर नंबर सिक्सटीन का लास्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सब्सुएस ठीक है तो उसमें ऑन द बेंजीन रिंग मींस कि ऑलरेडी आपके पास कोई ना कोई ग्रुप अटैच हुआ अब अब आप किसकी सब्सटूशन करेंगे तो क्या होगा तो अब एन एच टू जो है अमाइन ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है लेकिन ये एसिड ग्रुप जो है वो, कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपके पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो आपने इसको प्रॉपर वे में इसको सॉल्व करना है तो इस तरीके से आपने जो है वो अमाइन का बता दिया कि आर्थो पैरा डायरेक्ट है क्योंकि ये क्या करता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है लॉन पेयर और वो रिंग को लॉन्पेयर डोनेट करते हैं और इंक्रीज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो तो एंड पैरा पोजिशन ठीक है जिसकी वजह से क्या होता है मेकिंग इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन दीज पोजिशन मोर फिजिबल ठीक है तो ये देखें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कंसनट्रेटिड नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर ये जो है वो आपको नज़र आ रहा है साथ ही आपके पास यहाँ पर टू वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनने चाहिए और रिएक्टेंट में भी आपको यहाँ पर टू लगाना चाहिए ठीक है ये बैलेंस नहीं है यहाँ पर और इसी तरीके से आपने फिर बताना कि बेंजोइक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मेटा डायरेक्टिंग है वो क्या करता है अब ये विद करता है इलेक्ट्रॉन ठीक है फ्रॉम द बेंजीन रिंग और डीएक्टिवेट कर देता है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन को वाइल जो मेटापोजिशन है वो इलेक्ट्रॉन रिच रहती है और कमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है ठीक है वो आकर जो है वो मेटापोजिशन पर अटैच होता है ठीक है और यहाँ पर भी आपने प्लस जो है वो वाटर जो है वो यहाँ पर अटैच करना है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोटीन गिव योर कैमिकल ऑफ न्यूक्फ्लिक सब्सुएशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइट्स ठीक है तो इसमें स्टूडेंट्स आपने किस तरीके से से जो है वो आ, आपने पूरा मकैनिज़म लिखना है ठीक है और फिर मैकेनिज्म को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें आप बताएंगे कि एस एन वन रिएक्शन में क्या होता है कि पहले कैटाइन बनता है और उसमें दोनों तरीके से तरफ से अटैक अटार, हो सकता है न्यूक्लियर फाइल का ठीक है तो आपके पास फिफ्टी परसेंट जो है वो स्ट्रक्चर रिटेन रहती है और फिफ्टी परसेंट इन्वर्ट हो जाती है लेकिन एस टू में क्या होता है कि लिविंग uh, ग्रुप एक तरफ से लीव कर रहा होता है और अटैकिंग न्यूक्फाइल दूसरी तरफ से अटैक कर रहा होता है तो हंड्रेड परसेंट इन्वर्जन हो रही होती है तो ये आपने जो स्टीरियो यानी स्टीरियो का मतलब है कि जो उसके ग्रुप्स जो हैं स्पेस में जो है वो उनकी पोजीशन डिफरेंट हो रही है उसको एक्सप्लेन कर दें ठीक है तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है और ये एस वन और एस टू का जहाँ पर मैंने कंपैरिजन बताया है तो वहाँ पे उसमें आपने देख लेना है कि उसको किस तरीके से अटैम्प्ट करना बताया गया है बेसिकली आपने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बाद जो है ना इसके मैकेनिज्म ज़रूर लिखने हैं ठीक है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की एक टू वन और टू लाइंस लिखनी है और उसके बाद बेसिकली आपने मैकेनिज्म इसका एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स वेन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद द इथाइल एसिडेट तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें आपने ग्रिग नॉड्री एजेंट का जो है वो एस्टर के साथ जो है वो रिएक्शन करना तो इसमें दो स्टेप में होगा ठीक है पहले तो uh, ग्रिग नॉड्री एजेंट जो है वो एस्टर के साथ रिएक्ट करेगा इथाइल एसिडेट जो है वो एक एस्टर है ठीक है तो किडोन बनेगा और अगेन इसका सेकेंड मॉलिक्यूल ग्रिग नॉड्री एजेंट का इसके साथ रिएक्ट करेगा और फिर उसके बाद आपके पास अल्कोहल बनेगा ठीक है तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास ये देखें कीटोन बन गया और फर्दर इसका सेकेंड मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्ट कर रहा है और उससे ये टर्शियल कोहल बन रहा है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन हाउ ल्यूकास कास्ट टेस्ट बीइंग एम्प्लॉयड टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स तो ये आपको बहुत डिटेल्स एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड स्पोर्ट्स योर आंसर बाय ड्राइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ये भी आप एसिडि कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी जो है ऑफ फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में देख सकते हैं और ज़रूर इसकी आपने जो है वो स्ट्रक्चर्स uh, ड्रा करनी हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में एक चीज़ नोट कर लें कि यहाँ पर इन्होंने जो है वो रीज़न जो है सोलूशन जो है आपको गिवन है वेबसाइट पर इसमें रीजन जो है वो प्रॉपर नहीं लिखी हुई रीज़न ये है कि देखें दोनों में ही कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रेजोने रेजुन, रेजुन स्ट्रक्चर्स बनती हैं प्रोटॉन डोनेट करने के बाद भी और फिनोल में भी बनती हैं लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक इसलिए है कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है, वो हैं वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं बिल्कुल एक जैसी ठीक है यानी आप देखें यहाँ पर ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है या इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है तो आपको ये दोनों दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं देखें ये देखें आर सी डबल वन ओ नेगेटिव आर सी डबल वन ओ नेगेटिव यानी अटैचमेंट वगैरह सब कुछ एक जैसा ही है तो इनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ठीक है लेकिन अगर हम बेंजीन की देखें तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है देखें ये आपके पास फिनोलेट आइन बन गया तो पहले ये देखें ऑर्थो तो पर Uh, जो है वो नेगेटिव साइन आ रहा है फिर पैरा पैरापेर नेगेटिव साइन आ रहा है फिर दोबारा से पर आ रहा है तो ये तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो आपको नजर आ रही हैं ये एक जैसी नहीं है ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड दैट्स वाई ये नॉन इक्विवेलेंट जो होती हैं वो लेस स्टेबल होती हैं एज कम्पेयर टू जो है वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से uh, तो दैट्स वाई कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक है और फिनोल से ठीक है तो ये रीज़न आपने लिखनी है आप जो मैंने टॉपिक अपलोड किया हुआ है तो आप उसमें भी जाके उसको देख सकते हैं प्रॉपर रीज़न और डिस्क्रिप्शन में भी जो है ये मैं इस टॉपिक की वीडियो का लिंक दे दूंगी कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल्स एंड एस कार्बोक्सिलिक एसिड तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद रीजन अब ये देखें सिंपल जो है वो एल्डिहाइड और किटोन्स की जो है वो रिएक्टिविटी uh, को आप कह सकते हैं कि कंपेयर किया हुआ है तो साथ आपको फॉर्म एलडी और ब्यूटानोन uh, दे दिया गया है ठीक है तो बेसिकली इसमें टू फैक्टर्स होते हैं एक फैक्टर है साइज ऑफ द सब्सूं अटैच टू द कार्बोनिल ग्रुप ठीक है जितने ज़्यादा बल्की ग्रुप्स अटैच होंगे तो वो जो है वो अटैक नहीं करने देंगे न्यूक्लियोफाइल को ऑन कार्बन पॉजिटिव ठीक है तो देखें एल डी हाइड फॉर्म एल डी हाइड में क्या होता है हमारे पास हाइड्रोजन अटैच है तो वो स्मॉल इन साइज है लेकिन एसिड डी हाइड और ब्यूटेनोन में बल्कि ग्रुप्स अटैच है तो दूसरा ये जो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस यानी जो भी सब्सटेंस अटैच है ना कार्बोनिल ग्रुप के साथ तो वो क्या इलेक्ट्रॉन विथ है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ठीक है तो कार्बन ऑलरेडी क्या होता है पॉजिटिव होता है तो अल, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच हैं जैसा कि यहाँ पर ब्यूटान में मिथाइल ग्रुप्स और इथाइल ग्रुप्स अटैच है डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो गए हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ना तो इस कार्बन पॉजिटिव को और ज़्यादा स्टेबल कर रहे हैं ठीक है तो इतना ज़्यादा अनस्टेबल तो फील ही नहीं कर रहा दैट्स वाई इसकी रिएक्टिविटी कम होगी एज कम्पेयर टू फॉर्मेलिटी ठीक है उसके पास सिर्फ हाइड्रोजेंस अटैच हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है तो जो फॉर्मेलिटी का कार्बन पॉजिटिव है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशियसी फील करेगा दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू एसिडल्टी और ब्यूटानोन और क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है आपके पास हाउ कैन द फॉलोइंग एसिड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए ये तमाम के तमाम एसिड डेरिवेटिव्स हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक जो एक्सप्लेन किया हुआ आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं सिंपल आपने एसिड के डेरिवेटिव्स बनाने हैं देन आपके पास आ जाता है लास्ट में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हाउ कैन प्रोपानोइक एसिड बी प्रिपेयर फ्रॉम इथेन तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन की अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको बहुत अच्छे से जो है वो आ, ये चीज़ आ जाएगी कि अगर एक कार्बन इंक्रीज़ करना हो तो कैसे करेंगे देखें यहाँ पर इथेन में दो कार्बन होते हैं और प्रोपानोइक एसिड में तीन कार्बन होते हैं तो अगर आप टू कार्बन से थ्री कार्बन में जाना चाहें तो आप एक कार्बन कैसे ऐड कर सकते हैं और भी बहुत से मेथड्स हैं जो हैं वो आप ग्रिग नॉट डिर्जेंट को भी यूज़ करते हुए ये कर सकते हैं लेकिन ये शॉर्ट मेथड है कि अगर आप इथेन से इथेन की क्लोरिनेशन करवाएं और इथाइल क्लोराइड बनाएं और फिर इसकी सब्सिट्यूशन करवा दें जैसे एस एन रिएक्शन होते हैं ठीक है तो के सी एन के साथ आप इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्लोरीन जो है वो सी एन के साथ सब्सिट्यूट हो जाएगा अब ये जो कार्बन आ गया है साइनाइड का ठीक है तो एसिड वाले चैप्टर में मैंने आपको क्लियरली ये चीज़ बताई हुई है आप दोबारा से जाके देख भी सकते हैं कि तरीके से ये जो कार्बन साइनाइड ग्रुप है ये एसिडिक ग्रुप में एसिडिक हाइड्रोलिस से कन्वर्ट होता है ठीक है तो ये आप एसिडिक हाइडोलिस इसको कन्वर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट आप अभी यहाँ पे आपने मैकेनिज्म नहीं लिखना आपने इसी तरीके से लिखना है ठीक है डायरेक्ट तो मैकेनिज्म अगर आपसे पूछा हो तो वो आपने अलग से मैकेनिज्म तैयार किया हो होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे देखें आ, बाकी जो है वो एक दो और मैथड्स भी हैं वो थोड़े से लेंथी हो जाएंगे तीन चार स्टेप्स में हो जाएंगे लेकिन अगर कोई स्टूडेंट किसी स्टूडेंट को ये मेथड नहीं आ रहा कोई दूसरा मेथड आ रहा है लेकिन उससे एसिड में एट दी एंड थ्री जो एसिड थ्री कार्बन एसिड बन रहा है तो वो भी ठीक है लेकिन रिएक्शन प्रॉपर होने चाहिए ओके तो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन सी